अब आप लोग पेड़ उड़ाते हो ना फंसा के, तो आपकी पतंग कट जाती है, लेकिन आपको क्या करना है कि आप हमेशा पतंग काटो। तो यहाँ पे देखो ब्लू वाली पतंग मेरी, येलो वाली हमारे अपोनेंट की, और दोनों की पतंग नीचे बैठ रही थी, लेकिन एंड में हमने वाला पेज आराम से काट दिया। यहाँ पे एक और पेज चल रहा है, और देखो इतना बढ़िया हमने पेज काटा ना, गए और डोर मिलाई और ये चक्कर देके पतंग काट दिया। पतंग देखो काटी थी, और साथ ही साथ हम लपेट के भी लेकर आ गए। वीडियो का एंड तक देखो, पूरा आपको पता चल जाएगा कैसे क्या आपको करना है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइटर ऑफिशियल। आज की वीडियो देखो हम फिर से करेंगे काइट फाइटिंग, और आपस में ही हम करेंगे, क्योंकि आपस में ना वीडियो काफ़ी क्लियर बन रही है और आप लोग को भी मज़ा आ रहा है वीडियो देखने। तो यहाँ पे देखो कुछ पतंगें हमारी बची हैं, क्योंकि हम जितनी पतंगें लाते हैं ना सब हमारी आपस में कट जाती हैं और पतंगें खत्म हो जाती हैं। तो स्टॉक हमारा फिर से खत्म हो चुका है, हम दोबारा से नया स्टॉक ले आएंगे, काइट शॉप की वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे। तो नीचे मुझे कमेंट कर देना कि किस किस को काइट शॉप की वीडियो चाहिए। अगर आप आज कमेंट करोगे तो कल परसों तक हम वीडियो बना के तैयार कर देंगे। तो हमारा अपोनेंट देखो सामने अपनी पतंग उड़ा रहा है, पाटेदार वाली। तो वो नीचे से उड़ाएगा, ऊपर से मैं उड़ाऊंगा। और आज आप देखोगे ना हमने इतनी पतंग काटी, लगातार पतंगें काटी हैं इस वाली पतंग से। मज़ा आएगा आपको, नई नई ट्रिक देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक वाइक कर दो। तो पतंग पहुँचाते अपने अपोनेंट के पास और फिर आपको लड़ा के दिखाते। अब ये रहा हमारा आज का पहला पेज, ऊपर से मेरी पतंग है, नीचे से हमारा अपोनेंट है। यहाँ पे हवा कम लग रही थोड़ी सी, ये मैं गया डोर मिलाई उठाई, और वो देखो भाई आजकल इतने पेज काट रहा हूँ ना डोर मिला के, बेचारे की पतंग कट दी, उसे पता भी चला उसके साथ हुआ क्या। तो ऐसे आप भी काट सकते हो, आपकी क्या करना, पतंग नीचे पटकनी और जैसे आपको लगे डोर मिलने वाली है तुरंत अपनी पतंग ऊपर उठा लेनी है। वहाँ पर जो आपका झोल होगा ना वो नीचे आएगा और अपोनेंट की पतंग आपकी कट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो अपोनेंट है वो अपनी एक और पतंग पार कर रहा है। अब आप स्कोर गिनते जाना कि किसने कितनी पतंग काटी है। हमने इस वाली पतंग से अभी एक पतंग काटी है, तो आगे देखो एंड में कौन जीतता है, हमारा अपोनेंट जीतेगा या फिर हम जीतेंगे। तो पतंग उसने कर ली है पार, और यहाँ पे हमारा पेज आ गया। और जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि अगर आप ऊपर से पेज लड़ा रहे हो तो कोशिश करना कि थोड़ी सी पतंग आपकी बढ़ रहा है अपने अपोनेंट से, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये क्या मैं देखो देखो फिर से पेज फंसा रहा था लेकिन फंस नहीं पाया इस टाइम। कोई नहीं, अपोनेंट काफ़ी चला के वो पेज हमें फंसाने नहीं दे रहा, हम सोच रहे हैं पेज फंसा के काटें, लेकिन कोई नहीं, फिर गया यहाँ पर डोर मिलाई जो चक्कर दिया वो काटा। तो पतंग हमने काटी, लपेट के भी आपको दिखा दें। और हमने क्या करा इस वाले पेज में, मैंने कुछ नहीं करा, जो हमारा अपोनेंट है ना उसके झोल के पास मैं गया, झोल के पास जाके बस झोल के ऊपर हमने डोर लगाई और आराम से उसकी पतंग काट गई। पतंग काट दी, यहाँ पे भाई आ गई है, कुछ कह नहीं सकते जब तक हाथ में नहीं आती। और जब भी आप पतंग लपेट के ला रहे हो ना तो आपको कोशिश करनी है अगर पतंग फंस जाए तो तुरंत खींच लो, यानी कि आप बार बार ढील दे रहे हो, ढील दोगे तो पतंग टूट सकती है वहाँ पर। देखो पूरी पतंग हमने एक ही बार में खींच ली और ये आ गई पतंग, ओ भाई टूट गई अपनी भी। यहाँ पे क्या हुआ ना, कन्नी कट गए हमारी दूसरी पतंग के। अब देखो पूरी पतंग मैं लेकर आ गया था लेकिन एंड में क्या हुआ, मेरी पतंग टूट गई, उसके कन्ने कट गए। तो जो पतंग लपेट के ला रहा था वो तो भाई चले गई, लेकिन यहाँ पे ये पतंग देखो यहाँ पे फंसी है नीचे। अब देखो बच्चे अच्छे भी आ गए लूटने वाले, चलो भाई इन्हीं को दे देंगे पतंग क्योंकि ये फंसी है यहाँ पे, अभी निकलने वाली तो है ना यहाँ से। तो देखना अभी हम नीचे गिरा देना ताकि इन लोग को मिल जाए। और ये देखो उस बच्चे ने लूट ली पतंग, चलो हम अपनी दूसरी पतंग पार करते हैं दिखाते हैं। तो वाली पतंग तो हमारी टूट गई, यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर ली। देखो नीली वाली फिर से मेरी पतंग ने, मैं ऊपर से लड़ाऊंगा, नीचे से हमारा अपोनेंट है। और अभी इस वाली पतंग से हमने दो पतंग काट रखी है, दो काटी है तीन, हाँ दो काटी है, एक और पे लड़ता हुआ। उम्मीद है आप सीख रहे होगे हमारी वीडियो से। ये देखो फिर गया डोर छोड़ी, भाई डोर छोड़ दिए मैंने भी, उसने भी, जैसे ही वो खींचेगा मैं भी खींच दूंगा ऊपर। अबे यार यहाँ पे मेरी पतंग बाहर नहीं निकली, मैं बाहर निकालना चाह रहा था, निकल जाती ना तो काट देता इसकी पतंग। फिर गया और ये समेटी। देखा अगर आपका एक बार वो मूव फेल हो जाए कि जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है तो दूसरी बार में अपना पेज बदल दो, तुरंत पेज बदलोगे काट दोगे पतंग अपोनेंट की। तो यहाँ पे हमारा एक और पेज चल रहा, और हमने आज इस वाली पतंग से तीन पतंगें काट रखी हैं।
ऊपर से मेरी पतंग नहीं, नीचे से हमारा अपोनेंट है भैया, ये फंसा लूँगा। ये देखो कन्नू के पास फंसा लिया पेज, यहाँ पे दोनों चक्कर दे रहा है, मैं भी चक्कर दे रहा हूँ, वो भी चक्कर दे रहा है, देखते हैं किसकी कटेगी। पतंग नीचे बैठ रही दोनों की, हमने ऊपर उठाई बस कट गया। देखा आपने कितना ईजी है फंसा के पतंग काटना, लेकिन आपकी तब भी पतंग कट जाती होगी अगर आप पेज फंसाते हो तो। वो क्या गलती करते हो वो मैं बताता हूँ आगे। अब देखो जब भी पेज फंसेगा ना तो आपको कोशिश करनी जो आपकी पतंग हो वो अंदर के चक्कर ले। यहाँ पे आप देखो मेरी पतंग अंदर के चक्कर ले रही थी, अंदर के चक्कर होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी पतंग हवा में रहनी चाहिए। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि दोनों की पतंग नीचे जा रही थी, मेरी भी और हमारे अपोनेंट की भी। तो मैंने क्या करा, जब मुझे लगा कि हमारी पतंग नीचे बैठ रही है तो बस मैंने जोर जोर के झटके मार दिए ऊपर ताकि मेरी पतंग हवा में आ जाए। ये देखो मारे, बस उतने में हमारे अपोनेंट की पतंग कट गई। अब भाई आज तो मज़ा आ गया, इतनी पतंगें काटी हमने इस वाली पतंग से, मज़ा आ गया। चार पतंगें काट रखी, एक और हमारा पेज चल रहा है, नीचे से फिर से हमारा अपोनेंट, ऊपर से मैं। तो जो लोग ऊपर से पतंग काटना चाहते हैं ये वाली वीडियो देख लो, आप लोग के लिए बना रहा हूँ मैं। फिर गया डोर मिलाई और अभी फंसा नहीं फंसा। अब देखो पेज फंसा या नहीं फंसा, यहाँ पर हम अपना पेज चेंज कर देंगे, अब हम दोबारा नहीं फंसाएंगे। ये देखो खींच के ले गया बाहर पूरी, वहाँ पे हमारे अपोनेंट को लग रहा था कि मैं फिर से पतंग फंसाऊंगा, लेकिन वो भी तो आपको गलती नहीं करनी है। एक बार जो पेज लड़ा रहे हो वो हमेशा दूसरा पेज आपको चेंज करके ही लड़ाना है। सेम लड़ा दोगे तो वो समझ जाएगा सामने वाला आप ये कर रहे हो, वो कभी ना कभी आपकी पतंग काट ही देगा। तो आज पूरी हमने पाँच पतंगें काट दी इस वाली पतंग से, फिर से मेरी पतंग ऊपर से, नीचे से हमारा फिर से अपोनेंट। ये बंदा फिर से राइट हैंड साइड से गया, डोर छोड़ी, भाई मज़ा आ गया, काफ़ी पतंगें हमने काटी हैं लगातार। और आप भी ऐसी लगातार पतंगें काट सकते हैं अगर आप हमारी वीडियो पूरी देख लो। अरे देखो 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 फिर बच गई वो, फिर गया, अब क्या ले गया वो। अब की बार फाइनली हमारे अपोनेंट ने हमारी पतंग काट दी है, हमने बहुत पतंगें काट दी इससे पाँच, लेकिन एंड में अब हमारी पतंग कट चुकी है। अब यहाँ पे मेरे और मेरे अपोनेंट की पतंग सेम है, जो कुंडेदार पतंग दिख रही होगी ऊपर से वो मेरे अपोनेंट की, और उसने मुझे आगे भेजा है, तो नीचे से मेरी पतंग है जो अंदर पतंग भर रही ना, ये मेरी है। क्या मेरी पतंग बहुत ज़्यादा हल्की है, ये खींची स्ट्रेट अंदर की आ गई। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, सही बता रहा हूँ, ये जो पेज है ना मेरी पतंग ने काटा है, क्योंकि मैं बाहर की खींच रहा था, लेकिन एंड में हमारी पतंग अंदर की जो आई है ना, अपोनेंट बेचारा वहीं पर ही कट गया। तो ऐसे आप भी काट सकते हो कभी कभार, आपकी पतंग भी पेज काट देती है। तो अब हमने अपने अपोनेंट को नीचे भेजा और ऊपर से लड़ा रहा हूँ मैं। हमारी छत में क्या चलता है ना, जो बंदा पतंग काटेगा वो ऊपर से लड़ाएगा, क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा पेज लड़ता है छतों से। तो मेरी पतंग ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट, डोर मिलाई मिलाई मारा गंदा, और वो देखो मैंने स्ट्रेट मारा, मेरी पतंग फिर से अंदर की आई, और यहाँ पे एक और पतंग मैंने काटी है। तो पतंग भाई बहुत साथ देती है अगर आप अंदर बाहर की पतंग बना लेते हो, या कभी कभार अपने आप ही बन जाती है। यहाँ पे मैंने कोई पतंग बनाई नहीं, अपने आप ही बन गई है, लेकिन हाँ पतंग काट रही मेरी पतंग। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, फिर से अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, कल एक और वीडियो अपलोड कर देंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।